क्योंकि अगर आपको इस तरीके का लगातार छींक आती जा रही है, छींक आती जा रही है, लगातार कोई एलर्जिक रिएक्शन टाइप्स हो रहा है, तो ये दो ही पॉसिबिलिटी कि या तो आपको एक्चुअल एलर्जी है, एलर्जी टेंडेंसी है, और आसपास कहीं पर कोई सोर्स है एलर्जी का। अब समर सीजन है, समर सीजन में सोर्स हो सकता है, जैसा मैंने कहा पोलन ग्रेन्स आसपास कहीं पतझड़ हुआ है, पेड़ जो है सूख गए हैं, तो उसके पोलन धीरे धीरे निकल निकल के आपके घर पे आते हैं या आपके ऑफिस में आते हैं, तो आपको आपको छींकें आती रहती है। या फिर आसपास कहीं धूल मिट्टी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, राइट, जिससे आपको छींकें आती रहती है। या फिर कोई एनिमल है, नया एनिमल या कोई ऐसा एनिमल आसपास है, तो एनिमल डेंगर से भी आपको एलर्जिक छींक आती रहती है। या फिर आपको कोई एक्यूट कोल्ड वायरल इन्फेक्शन हुआ है, राइट, स्नीजिंग का ये कारण है। किसी दोनों ही कारण से आप एक बार ENT डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपका नाक, आपका गला, आपका थ्रोट और आपके साइनसिस का एग्जामिनेशन करके बताएंगे कि ये आपका इन्फेक्शन तो नहीं है, एक्यूट बहुत ज़्यादा मेजर वहाँ पे कंजेशन या इन्फ्लामेशन ज़्यादा तो नहीं है, राइट। और अगर ये लंबे समय से है, जैसा 15 ईयर से, वॉट एवर इट इज, देन ऐसे केस में इट इज मोर लाइकली टू बी एलर्जिक। एलर्जिक टेंडेंसीज के लिए आपको अपने एलर्जन समझने जरूरी है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एलर्जिक सब्सटेंसेस, आपके एलर्जन, उसको ढूंढने के लिए टेस्ट आता है, टेस्ट का नाम है एलर्जी प्रोफाइल। आप अपना एलर्जी प्रोफाइल कराओ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ों से मुझे एलर्जी है, इस इससे कितनी कितनी एलर्जी है, एंड देन यू कैन एक्चुअली मेक अ प्लान। दो तरीके के प्लान हो सकते हैं ट्रीटमेंट के। नंबर वन, सबसे बेस्ट प्लान, एलर्जिक जितनी भी चीज़ है उससे बचो, वो तो करना ही करना है, नंबर वन सबको करना है। नंबर टू, अगर आप परमानेंटली ठीक होना चाहते हो, तो आप एलर्जी शॉट्स, फ्लू शॉट्स और एलर्जी शॉट्स अलग है। एलर्जी शॉट्स वो होते हैं जिससे पता चल जाए कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है, तो आप रेगुलरली जाके उस चीज़ के शॉट्स लेते हो, अपने स्किन में शॉट्स यानी इंजेक्शन या पैचेस लगाते हो, जिससे बहुत मामूली मात्रा में वो एलर्जिक सब्सटेंस आपके बॉडी को एक्सपोज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और अच्छे चांस है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 1 ईयर, आपको उस चीज़ की अडेप्टेशन हो जाएगी और उससे फिर एलर्जी नहीं होगी। पर ये गारंटीड नहीं है, सब में काम नहीं करता, ठीक है। सो यू कैन टेक टेक दिस, यू कैन डू दैट, राइट, दिस इज ऑल अबाउट इट।